हेलो फ्रेंड्स, बाहुशिल्प क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। मैं शिल्पा, मैं आपको आज एक यम्मी रेसिपी सिखाने वाली हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक लड्डू खाए, डोसा खाया, पिज्जा खाया, तो आइसक्रीम तो बनता है ना। उस आइसक्रीम में हम सब्जा, फ्रूट्स, हनी और फ्रेश क्रीम का भी यूज करने वाले हैं, ताकि सब चीजें एक साथ हमारे पेट में जाए और मम्मा भी खुश हो जाए। तो लेट्स गो। फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल मिल्क, 1 बाउल फ्रेश क्रीम, 1 बाउल मिल्क पाउडर, 1 बाउल शुगर, और आपके घर में जो फ्रूट्स है वो आप ले सकते हो, 1 बाउल फ्रेश फ्रूट पल्प। मैंने यहाँ मेरे घर में जो 5 फ्रूट थे वो मैंने लिए हैं। अब मैं वो सब फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। इतना हमें ध्यान रखना है कि कोई भी सीड्स फ्रूट में नहीं रहने चाहिए। अब हमें ये अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बच्चे ऐसे भी फ्रूट्स खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इस आइसक्रीम्स के साथ वो आसानी से और खुशी से सब फ्रूट्स खा लेंगे। ये मैंने पोमोग्रेनेट का जूस निकाल लिया है। एक कपड़े के अंदर आप वो सीड्स डाल के उसको फिल्टर कर सकते हो। और इस पोमोग्रेनेट के जूस में मैं अभी ये जो फ्रूट पल्प हम लोगों ने बनाया था वो ऐड कर लेती हूँ। ये सब मिलके हमें ये 1 बाउल फ्रूट पल्प लेना है। सभी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में आप लोगे, इट मीन्स सभी चीज़ें आप इक्वल प्रोपोर्शन में ही लोगे, तो ये आइसक्रीम 101% परफेक्ट बनेगा। मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड करूँगी। जितना अच्छे से ग्राइंड करोगे आप, उतना ही आपका आइसक्रीम सॉफ्ट बनेगा। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी एयरटाइट कंटेनर अभी मैं ले रही हूँ, और इस कंटेनर में हम लोगों ने जो मिक्सी में मिक्सचर निकाला था वो उसमें डाल देती हूँ। और ये मिक्सचर हमें फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए आइसक्रीम सेट होने के लिए रखना है। अभी ये मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। 7 से 8 घंटे के बाद देखिए हमारा अच्छा आइसक्रीम सेट हो चुका है, लेकिन हमें फिर एक बार उसे 5 से 6 मिनट के लिए मिक्सी में डाल के वापस एक बार ग्राइंड कर लेना है, ताकि हमारा आइसक्रीम एकदम सॉफ्ट बने, जैसे हम लोग बाहर से परचेस करके लाते हैं उसी टाइप का सॉफ्ट आइसक्रीम बने। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसको कंटेनर में डालना है। उसके बाद मैं उसमें जो हमारे फ्रूट पीसेस थे वो डालने हैं। आपके पास जो भी फ्रूट्स आप यूज़ कर रहे हो वो उसमें डाल सकते हो। और अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस एक बार उसको लिड कवर करेंगे और फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए आइसक्रीम सेट होने के लिए रख देंगे। अब मैं डेकोरेशन के लिए व्हिप क्रीम बीट कर रही हूँ। देखिए मेरा व्हिप क्रीम बीट हो चुका है। अब मैं उसको कोन में भर लेती हूँ। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए हमें चाहिए पोमोग्रेनेट के सीड्स, स्वीट लाइम का एक पीस, एप्पल के पीसेस, मैंने सब्जा भी लिया है जो हम लोग फालूदा में यूज़ करते हैं, और व्हिप क्रीम मैंने कोन में भर लिया है। आप आपके पसंदीदा फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। हमारा ये एकदम सॉफ्ट आइसक्रीम रेडी हो चुका है। मैंने ये अभी ग्लास लिया है, उसमें मैं फर्स्ट लेयर व्हिप क्रीम की डालूंगी। इवनली हमें स्प्रेड करना है।
उसके बाद एप्पल के पीसेस, फिर पोमोग्रेनेट के सीड्स, थोड़ा सा सब्जा, इट मीन्स बेसिल सीड्स, उसके बाद हमें उसके ऊपर डालने हैं। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये डेजर्ट आइसक्रीम एंड डेजर्ट वी कैन आल्सो कॉल इट। एंड अभी मैं उसके ऊपर हमारा जो एकदम सॉफ्ट यम्मी आइसक्रीम बना है, एकदम बाहर जैसे हम लोग खरीदते हैं वैसा ही आइसक्रीम हमारा बना है, मैंने ये निकाल लिया है आइसक्रीम। आप देख सकते हो आसानी से निकल गया है। अब मैं उसके ऊपर आइसक्रीम डालती हूँ, फिर आप उसके ऊपर वापस फ्रूट पीसेस डाल सकते हो। एक्चुअली ये फालूदा भी नहीं है, मिल्कशेक भी नहीं है, फ्रूट सलाद भी नहीं है, ये आइसक्रीम ही है, लेकिन एक अलग टाइप का आइसक्रीम मैं बना रही हूँ कि एक एक लेयर बना रही हूँ। मैंने थोड़ा स्वीट लाइम का जूस भी उसमें डाला है, बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। अभी मैं व्हिप क्रीम जो लिया है हम लोगों ने, उससे पूरा टॉपिंग को डेकोरेट कर रही हूँ। आप आपके हिसाब से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा हनी डाला है, हनी इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र, कफ के लिए भी बहुत अच्छा मेडिसिन है वो, सो इसलिए मैंने हनी का यूज़ किया है। और थोड़ा सा पोमोग्रेनेट डेकोरेशन के लिए वापस यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है ये, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगा। अभी ये मैंने स्वीट लाइम का एक सर्कल पीस काट लिया है और मैं उसको अच्छे से अरेंज कर रही हूँ बॉर्डर पे ग्लास के। मेरा ये अरेंज हो चुका है, बहुत सुंदर टेम्पटिंग आइसक्रीम है, मुँह में पानी आने लगा है। चलिए चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलना, ताकि मेरे सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए खाइए और खुश रहिए। थैंक यू।